बनना चाहते एक स्मार्ट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर, तो आज ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांग महेश्वरी Equialpha.com से। कुछ वीडियोस पहले हम आपके साथ IPO एनालिसिस लेके आए थे, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए आज हम सिमिलर लाइन्स पे गवर्नमेंट कंपनीज का एनालिसिस लेके आए। आप में से बहुत लोग सरकारी कंपनी के फैन होते हैं कि यार SBI ले लेते या ONGC ले लेते या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ले लेते। काफ़ी लोग इनमें से रिटायर हुए हुए हैं, इसलिए भी इनको ये कंपनीज बहुत पसंद है। पर आज हम देखते हैं कि क्या रही इन गवर्नमेंट कंपनीज की पिछले कुछ सालों में मार्केट की चाल। तो शुरू करते हैं। आज जो मार्केट में टोटल गवर्नमेंट कंपनीज लिस्टेड है वो है अराउंड 66। पिछले 10 साल की जिन कंपनीज की हिस्ट्री अवेलेबल है, यानी कि पिछले 10 साल में जो लिस्टेड थी, वो है अराउंड 48 कंपनीज। इन 48 गवर्नमेंट कंपनीज में से 32 गवर्नमेंट कंपनीज है, यानी कि 67% ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज ने पिछले 10 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए। यस, और 33% ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज जो बची इनमें से, उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए। अगर आप इनके पॉजिटिव रिटर्न देखेंगे तो पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज इनका रिटर्न रहा 87%, यानी कि 10 साल रखने के बाद आपका 100 रुपये 187 रुपीज़ मिला। अभी 87% ऐसे आपको सुनने में बड़ा लग रहा होगा, बट अगर आप इसका पर एनम रिटर्न निकालेंगे तो ये सिर्फ 6% आता है, जो कि एक FD के बराबर ही होता है। अब ये हुई 10 साल की बात। अगर आप 5 साल की भी बात लेंगे, यानी कि 5 साल का टाइम होराइजन लेंगे, तो उसका डेटा भी कुछ सिमिलर ही एनालिसिस निकला है। 67% कंपनीज जिन्हें नेगेटिव रिटर्न्स दिए, 33% ऑफ द कंपनीज जिन्हें पॉजिटिव रिटर्न दिए, पर वो रिटर्न कहीं 6-7% ही रह गए। इनमें से काफ़ी सरकारी कंपनीज तो अपने लिस्टिंग प्राइस से 60-70% तक माइनस है। CPSE ETF यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ETF जो मार्केट में ट्रेड होता है, तो गवर्नमेंट जो अपना डिसइन्वेस्टमेंट करती है वो थ्रू CPSE ETF करती है, जो एक बंच ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज है जिसमें उनका शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, और वो कहीं उसको थोड़ा कम करके पैसे जुटाना चाहती है जिससे वो अपने दूसरे पर्पसेस में लगा सके। ये CPSE ETF जो कि ग्रुप ऑफ सरकारी कंपनीज होता है, इसका अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो -10% रहा है। यानी कि 5 साल पहले अगर आपने CPSE ETF में पैसे लगाए हैं 100 रुपये, तो वो 5 साल बाद आज 90 रुपये ही बचे। बट अब ऐसा क्यों होता है कि मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न ओवर 10 years and 5 years? इनमें से कुछ गवर्नमेंट कंपनीज एक लीडरशिप पोजीशन में भी है, जो कि एक मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली मार्केट बोल सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक यानी कि जहाँ पे ये लीडर है, जहाँ पे ये प्राइस डिटरमाइन कर पा रहा है, और जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। आप इसको नॉर्मल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी रखता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान में जितना भी स्टील बनता है उसका, उसमें से 50% मार्केट शेयर जो होता है वो सेल का है। SBI जिसके आज सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है, कोई भी प्राइवेट पब्लिक बैंक को ले लेंगे, SBI आज नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस में लीडर है। इसके बाद आप देखेंगे NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान में आज जितनी भी बिजली प्रोड्यूस हो रही है उसमें से 25% ऑफ पावर जनरेशन NTPC करता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 48% ऑफ जितनी भी LPG गैस है उसमें इसका मार्केट शेयर है। 50% अराउंड इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर है। कोल इंडिया लिमिटेड, इंडिया में जितना भी कोल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 82% जो कोल है वो कोल इंडिया लिमिटेड बनाती है। NBCC जिसका आज कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक है, ये आपने काफ़ी न्यूज़ में भी सुना होगा, NBCC स्टॉक अराउंड 1,00,000 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है। अब इतने पावरफुल होने के बाद 50-50, 70-70% मार्केट शेयर होने के बावजूद भी ये कंपनीज के आप रिटर्न देखेंगे तो वो आपको बहुत कम मिलते हैं। मेजॉरिटी ने आपका नुकसान ही करवाया। जो कुछ रीजंस मुझे समझ में आए वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। अगर आप देखेंगे तो इन गवर्नमेंट कंपनीज की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज होती है, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो इनफिशियंट है। अगर आप देखेंगे NBCC को, जिसका 1,00,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग है, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसको एग्जीक्यूशन आती रहती है। कभी ज़मीन की प्रॉब्लम हो गई, कभी प्रोजेक्ट डिले हो गया,
इस तरीके की प्रॉब्लम के कारण उसका जो ग्रोथ आता है वो ग्रोथ नहीं आ पाता है, या कहीं ना कहीं उसकी मार्जिन है वो मार्जिन कट आउट हो जाते हैं। आप देखेंगे एनबीसीसी में आपको काफी ब्रोकरेज रिपोर्ट करीबन इसके डबल भाव से आपको बाय रिकमेंडेशंस दे रही थी, बट कभी कुछ हो नहीं पाया ड्यू टू देयर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी में जो लैक। सेकेंड पॉइंट जो मेरे को लगता है वो ये है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है वो रन बाय गवर्नमेंट होती है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग जो होती है वो इनकी होती है। इसलिए देश में जब जब कुछ प्रॉब्लम होगा या जब जब कुछ प्रॉब्लम आया है तो सिर्फ ये गवर्नमेंट कंपनीज इतना पावर रखती है अपने मोनोपोली सिचुएशन, अपने लीडरशिप पोजिशन के कारण कि वो ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए, दूसरे लोगों को सपोर्ट कर पाए कि देश आगे बढ़ पाए। अब ये पॉइंट फ्रॉम अ कंट्री एंड फ्रॉम अ सिटीजन बहुत अच्छा है कि मेरी सरकार को हमारी देश की ग्रोथ की फिक्र करनी चाहिए, बट एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रॉब्लम आएगा। अब आप अगर सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखेंगे तो उनके साथ ऐसा ही होता है। आप अगर देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर में, पर जब जब कुछ प्रॉब्लम होता है ये कुछ ना कुछ मार्केट रिकैपिटलाइजेशन लेके आते हैं और इन बैंक्स को देते हैं जिससे कि बैंक्स आगे फंड कर सके। इन सब सरकारी बैंक्स के आप एनपीए देखेंगे तो वो आपको ह्यूज एनपीए दिखेंगे, क्योंकि इनके जो सेक्टर्स होते हैं कभी कभी वो ऐसे होते हैं जो कि कैश जनरेटिंग सेक्टर्स नहीं है, जहाँ पे पैसा डूबने के हाई चांसेस होता है, जैसे कि रियल एस्टेट फंडिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो गया, पावर सेक्टर को लेंडिंग करना हो गया। तो इन सब के कारण जहाँ पे कोई प्राइवेट बैंक लेंड नहीं कर रहा है वो सब काम भी इन बैंकों को करने पड़ते हैं, क्योंकि इट इज़ देयर ड्यूटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। पर ये एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर यानी कि आपके और मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है वो मैनेजमेंट इनकंसिस्टेंसी। इनका मैनेजमेंट कभी कंसिस्टेंट नहीं रहता है, हर थोड़े टाइम में इनके टॉप मैनेजमेंट में शफलिंग हो जाती है। अब ये 3-4 वजह मुझे लगती है जिनके कारण ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स पैसा कभी कमा के नहीं दे पाए। तो अगर अब भी आपको लगता है कि आप कोई पब्लिक सेक्टर बैंक होल्ड करे हुए हैं बहुत सालों से या आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये फैक्ट्स को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक लीडर हमेशा डोमिनेट करता है सेक्टर में और सबसे पावरफुल होता है, बट ये लीडरशिप पोजीशन होने के बावजूद भी ये कंपनीज कभी रिटर्न नहीं दे पाई, क्योंकि कारण मैंने कुछ आपको बताया। और इसके अलावा आपको कुछ कारण लगता है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि ऐसे टाइप के मार्केट एनालिसिस आप तक पहुँच सके जल्द से जल्द। So, thank you for giving your precious time. See you, Devang Maheshwari.